शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तरफ पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और दूसरी ओर प्रकृति का प्रकोप लगातार जारी है। बंगाल और उड़ीसा में अम्फान के कहर के बाद अब पश्चिमी तटीय इलाकों में चक्रवात निसर्ग दस्तक देने जा रहा है। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र में पालघर समेत कई जिलों में नौ बचाव दल तैनात कर दिए। साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वड्डेटीवार ने अधिक जानकारी देते हुए सभी से सचेत रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर महाराष्ट्र के मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर, ठाणे, पुणे को सतर्कता की सूचना दी है। अरब सागर में चल रही तेज हवाएं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर चल रही है और मुंबई से 550 किलोमीटर दूर है। चक्रवात निसर्ग से महाराष्ट्र के रायगढ़ में, हरिहरेश्वर और दमन में 3 जून को लैंडस्लाइड हो सकता है। मौसम विभाग के संकेत के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने चक्रवात निसर्ग से बचने के लिए अपनी उपाय योजना बताई है। उन्होंने बताया, पूर्व सुरक्षा के अंतर्गत एनडीआरएफ की 6 टीम तैनात की गई है, जिसमें पालघर में 2, ठाणे में 1, रायगढ़ में 1, रत्नागिरी में 1 और सिंधुदुर्ग में 1 टीम तैनात की गई है। साथ ही इस कोरोना के दौर में एनडीआरएफ टीम की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लगातार इसका जायजा लिया जा रहा है। मछुआरों को सचेत किया गया है कि कोई भी समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के लिए ना जाए। कोंकण और उत्तर भाग में जोरदार बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हवामान खात्याकडून अर्थात IMD प्रसिद्ध केलेल्या सूचना नुसार ॲडवायझरी मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, मुंबई उपनगर शहर यांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। या ठिकाणी अरबी समुद्रामध्ये दक्षिण पूर्व असेल मध्य पूर्व मध्य भागामध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे त्यामुळे चक्रीवादळ निर्माण होईल आणि जे उत्तर महाराष्ट्राला धडकण्याची जी शक्यता वर्तविली आहे त्यासाठी आणि हा येणाऱ्या 30 जून 2020 हा चक्रीवादळ धडकण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे। या खरं तर मी मदत पुनर्वसन आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटचा मंत्री म्हणून आम्ही याची आढावा आमच्या विभागाकडून सातत्याने घेतला गेलेला आहे आणि खबरदारीचा इशारा म्हणून मच्छीमारांना कळवलेला आहे की पुढे कुठेही 31 तारीख म्हणजे तारखेपासून कोणीही समुद्रामच्या आत मच्छीमारासाठी आपण जाऊ नये आणि त्या ठिकाणी कोकणाचा भाग असेल किंवा उत्तर मध्य मुंबईमध्ये हवामान खात्याने चक्रीवादळाबरोबर जोरदार पावसाचा सुद्धा अंदाज वर्तला आहे आणि या सर्व गोष्टीचा अंदाज घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून आपत्ती व्यवस्थापनातर्फे एनडीआरएफच्या 6 तुकड्यांना पूर्व सज्जतेसाठी प्री पोझिशनिंगसाठी पाचारण करण्यात आलेलं आहे आणि त्या 6 तुकड्यामध्ये पाचारण करण्याबाबत समादेशक 5 बटालियन एनडीआरएफ यांना देखील विनंती करण्यात आली आहे। ठेवण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवण्यासाठी त्यांना सॅनिटायझर असेल, त्यांना मास्क असेल, ठाईसुद्धा प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि कोविड-19 धोका लक्षात घेऊन या एनडीआरएफच्या टीमची व्यवस्था सुद्धा 6 टीमची केली गेलेली आहे।